अजब माखी पुलिस की गजब कहानी हो रही है जग जाहिर। नाबालिग बेटी के हत्याकारों को सजा दिलाने के लिए दर दर भटक रहा एक परिवार। कुछ घंटों में घटना का उल्टा सीधा खुलासा कर वाहवाही लुटती है माखी पुलिस। जहां दर्जनों घटनाओं का सालों से माखी पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है, वहीं हम आपको बता दें कि बीते 27 जनवरी को अपने खेत गई 9 वर्षीय किशोरी को उसके गांव में ही दरिंदों ने इज्जत लूट कर गला घोट कर मौत के घाट उतार दिया था। पीड़ित परिवार की शिकायत में 4 नामजदों को छोड़कर 1 को जेल भेज दिया गया था। पीड़ित पिता उन्नाव के उच्च अधिकारियों से लेकर शासन तक को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगा चुका है। न्याय न मिलने पर पूरे परिवार के साथ आत्महत्या की बात कर रहा है। आखिर कब तक यूं ही मरती रहेंगी बेटियां? आखिर कब तक गरीबों को न्याय के लिए लगाने पड़ेंगे चक्कर? आखिर कब जनता का दर्द समझेगी योगी की मित्र पुलिस? क्या उन्नाव में अब सुरक्षित नहीं है बेटियाँ? के साथ 8-9 वर्ष की बच्ची है, उसके साथ जो है रेप किया गया और यानी मर्डर किया गया उसको। और जो है हम जब बच्चे हमारी यहाँ बच्चे लोग सब गार्जियन लोग घर से यानी खेत की तरफ गए ढूंढने के लिए, खेत रखवाली करने गई थी, वहाँ गए तो पता किया तो वहाँ मिली नहीं। तब जा करके परिवार वाले सब ढूंढ धार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या, गला कस के हत्या और बलात्कार पुष्टि हुई है जी, जी। उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई, किस किस पे शक है आपने, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? माखी पुलिस ने शक हमको ने कुछ नहीं किया। और ये राम खिलावन और धीरज और कुंदन कुमारे इतने लोगों पर इनके पर मेरी शक है। इन लोगों ने सुनने मारा, उन्होंने कबूल भी किया है? एक कबूल किया है इसमें कि मैंने मारा है और मैंने ही रेप किया है, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं है ये कहीं आम काम करेगा। पुलिस ने उसको जेल भेज दिया? पुलिस उसको जेल भेज दिया। क्या लगता है वो दोषी है? वो दोषी तो नहीं हमारी समझ में, रेप में तो दोषी हो सकता है लेकिन मर्डर में नहीं है। मर्डर में और कौन कौन लोग हो सकते हैं? ये सुंदरलाल और ये कुंदन और ये राम खिलावन और ये धीरज। काफ़ी जगह आपने शिकायत कर रखी है जी, तो क्या लगा उसमें भी कोई हमको निष्कर्ष नहीं मिला भैया? अगर अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? मैं साहब वहीं अपने बच्चों को परिवार को लेकर के जो है हम भी उसी घाट में चढ़ जाएंगे। जब कोई हमें रोटी दाना की मोहताजी है, कोई हमें देता नहीं है, कोई दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रही है, तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? तुमको धमकियाँ भी मिल रही हैं जी, आए दिन धमकियाँ मिल रही हैं। बताओ क्या कि हम रहने नहीं देंगे जितने टाइम। तो मैंने बोला कि खेत पे जाकर देखो जानवर को, जानवर देखने गई, उसके बाद वो नहीं आई। हम घंटा डेढ़ घंटा बाद उसके ढूंढने निकले, सब बेटी माँ सब साथ में ढूंढने निकले, लेकिन वो वहाँ नहीं मिली। और जो वहाँ लोग थे वो बोल रहे थे यहाँ नहीं आई है, सुबह से हम यहीं हैं। तब हमने आकर यहाँ घर वालों को बताया, फिर उसके बाद में ये सब लोग ढूंढने गए तो उसी लाही के खेत में उसका शव मिला। और हम यहाँ सारा दिन ढूंढते रहे, जब शाम को पुलिस आई तो पुलिस ने कार्रवाई की जल्दी जल्दी में, पोस्टमार्टम उठा कर ले गए और हमारे पूरे रिश्तेदारों को किसी को देखने भी नहीं दिया। और उसके बाद में सुबह जब आए उसके बाद में फिर जल्दी जल्दी मिट्टी भी करवा दी गई। पुलिस ने हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रही लाश के साथ। क्या लगता है पुलिस ने अभी तक तो जो कहा आपने कार्रवाई नहीं की? वो नहीं, कार्रवाई हमारे साथ कुछ भी नहीं की, हमें नहीं लगता कि कार्रवाई कर रही है। हमारी बहन के साथ बहुत बड़ा घटना हुई है, बड़ी दुर्दशा तरीके से मारा है इन लोगों ने। 8 वर्ष की थी और उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसके साथ उसका रस्सी से और स्वेटर जो पहने हुई थी उसे के साथ गला घोटकर हत्या कर दी उसकी। कब घटना हुई थी बेटा ये? 27 जनवरी को दिन बुधवार। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस वाल कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है हमारे साथ, सिर्फ हमें सांत्वना दे रही है कि हम आगे विवेचना कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ पुलिस नहीं है। किसी को पर शक आपको? जी सर, हमारे शक है हमारे गांव वाले जो ये सोने लाल और पुत्र कुंदन और ये राम खिलावन और धीरज और ये सभी लोगों मिलकर उसका मर्डर किया है। पुलिस ने उसमें एक आरोपी जेल भेज दिया है, धर्मवीर को भेजा है। क्या वो शामिल था? उसे हमें नहीं लगता है शामिल है, लेकिन अब वो जो चाहे वो करें। जो असली गुनहगार है वो बाहर है? वो बाहर है, असली गुनहगार सब बाहर है। ग्राम दीपागढ़ी थाना क्षेत्र माखी में एक लड़की 10 साल की लघु उम्र है, वो अपने खेत में रखवाली करने सुबह 10 बजे गई थी। जब वो घर पर नहीं लौटी तो उसके घर वाले उसकी तलाश करने के लिए निकले,
तो उन्हें अपने खेत के बगल में ही उसकी डेड बॉडी पड़ी मिली वहाँ पे। इस संबंध में 4 नामजद लोगों के विरुद्ध तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें गला घोंटकर हत्या करने की बात अंकित की गई है। इस संबंध में इस घटना में शामिल अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों को गठन कर दिया गया है।